कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे, हर कल्प में अंत में ये साक्षात्कार होगा कि फलाने ये बनेंगे। कल्प बाबा के भी बाबा ने बहुत अच्छी बात की, अंत में सबको साक्षात्कार होगा, एक दो का भी साक्षात्कार होगा। हाँ, जब एग्जाम की रिजल्ट निकलती है ना तो वो लगा देते हैं, कॉलेज में ऐसे ही होता है, वो लगा लेते हैं सबके नंबर्स, कौन किस किस कितने ग्रेड में आया। तो केवल हम अपना ही नहीं देखते हैं, हम दूसरों का भी देखते हैं, क्योंकि नंबर हमको मालूम होता है, उनका भी, भाई ये फलाना किस ग्रेड में आया, फलाना किस ग्रेड में आया, तो सबका पता चल जाता है। अब बाबा कहते हैं इसमें भी अंत में सबका पता चलेगा। देखो बाबा क्या कहते हैं, आगे आगे जब तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे, आगे जब देखते थे तो बाबा मम्मा मना करते थे कि न सुनाओ। मनोहर दादी बताती थी कि वो जब ध्यान में जाती थी ना बहने यज्ञ के अंदर, तो वो कहती थी ये कांता है, ये कांता है, कांता मना दासी, तो दासी ये दासी है, तो वो जब सुनती थी कांता मैं दासी बनूंगी, सतयुग में दासी बनूंगी, तो वही फंक हो जाती थी। तो मम्मा बाबा ने उनको मना किया, ये मत बोलो मत बोलो, हाँ, क्योंकि वो तो ध्यान में देखती थी तो इसलिए वो कांता कह देती थी, लेकिन फिर मना किया कि ऐसे कहो नहीं डायरेक्ट तुम ये कांता हो। तो बाबा कहते हैं आगे चल, आगे जब देखते थे तो मम्मा बाबा मना करते थे कि नहीं सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, अंत में सबका पता चलेगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। अब सुनो अंत में क्या होगा, जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी, बाबा से कोई मिल नहीं सकेंगे। अभी भी कई आते, उस दिन भी कल एक भाई मिला, कल परसों, कहता है मैं तो अव्यक्त बाबा का भी पाठ पूरा हुआ, मैं तो उसके बाद आया हूँ, साकार को तो मैंने देखा नहीं, अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा। चलो अव्यक्त बाप दादा की फिर भी वीडियो तो देख सकते हैं, साकार की तो कोई वीडियो भी नहीं है, उस समय कोई ऐसे वीडियो कैमराज भी नहीं थी ना, भले होगा कुछ या कोई होगा, लेकिन इस प्रकार तो नहीं है ना जैसे अभी लेते हैं वीडियो लेते हैं, अभी तो यूट्यूब में सब कुछ समा जाता है, भले कभी भी सुनो कभी भी देखो। तो उस समय तो था नहीं, तो उसको बड़ा दुख हुआ, हाय मैं हर कल्प कल्प अव्यक्त बाबा को भी मिस करूंगा। तो साकार में जब बाबा अव्यक्त हुए तो ज्ञान में थे कई, लेकिन मधुबन कभी नहीं आए थे, भले ज्ञान में थे 69 से पहले, लेकिन मधुबन नहीं आए, बाबा अव्यक्त हो गए, अरे मैं ज्ञान में भी आया और बाबा से मिल नहीं सका, और अभी कहेंगे अव्यक्त बाबा से भी नहीं मिल सका ना। तो देखो बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, फिर कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरमपार, आप आए और हमने नहीं पहचाना, ये भी गाया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी सब पीछे आएंगे, उनों के सिंहासन भी हिलेंगे, लो भगवान उवाच, सबके सिंहासन हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे, तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, अब याद प्यार बाबा ने दिया, फिर बाबा ने आगे चलाया, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, भगवान एक ही बार संगम पर ऐसा याद प्यार देते हैं, जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो, विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताओ, बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए।